हिसार जिले के एक मामला सामने आ रहा है जहां पर पेट्रोल पंप पर 4,65,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आ रहा है। पुलिस को दिए बयान में बताया, सुमित मोर ने बताया कि उनके पेट्रोल पंप पर रात को चोर आते हैं और शीशे का जो लॉक है उसे तोड़ करके और उसमें वहां रखे हुए 4,65,000 रुपए और एक और मोबाइल फोन लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं और साथ में उसकी चाबी जो है गेट की वो भी ले जाते हैं। उस मौके पर पेट्रोल पंप पर रात को दिलबाग सिंह सो रहे थे, लेकिन दिलबाग को रात को जाग नहीं आई, लेकिन सुबह जब 5 बजे उठे तब देखा तो पैसे भी गायब थे और मोबाइल फोन भी। शीशे को कैसे तोड़ा गया या कैसे लॉक खोला गया, यह एक बहुत ही बड़ी विचित्र बात बनी हुई है कि आखिर कैसे ये चोरी हुई। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले में तहकीकात करते हुए और सभी बिंदुओं को जोड़ती हुई नजर आ रही है कि रात्रि को किस तरीके से शीशा तोड़ा या लॉक तोड़ा और शीशे का लॉक तोड़ करके किस तरीके से चोरी हुई। हालांकि ये घटना हिसार जिले के हांसी क्षेत्र के बास अकबापुर के पास उजाला ऑटो सेंटर यानी पेट्रोल पंप है वहां की है और फिलहाल पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है कि आखिर ये चोरी हुई तो हुई कैसे, आखिर कौन वे चोर लोग थे और क्या कैमरे लगे नहीं हुए थे। एक चोरी होना, एक FIR जरूर दर्ज करा दी गई है इस मामले में, लेकिन अभी भी इस मामले में थोड़ा असमंजस बना हुआ है कि रात्रि को अगर चोरों ने यहां घटना की तो कैसे हुई। आपको बता देते हैं हिसार जिले में पहले भी चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं, रात्रि में ही चोरों ने घटनाओं को लूट खसोट की वारदातें हुई हैं, चोरी की जगह लूट खसोट कह सकते हैं कि वहां वारदातें हुई हैं, पहले भी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं और अब एक नया मामला इस समय सामने आया है। हालांकि उन मामलों में कार्रवाइयां चल रही हैं, कईयों में हो भी चुकी हैं, लेकिन एक और मामला सामने आया है जो कि बेहद हैरतअंगेज और चौंका देने वाला है कि 4,65,000 रुपए की चोरी आखिर हुई तो हुई कैसे। एक बड़ा मामला, पेट्रोल पंप पर रात्रि को हुई 4,65,000 रुपए की चोरी। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को, खबर को शेयर कीजिए। हर खबर आपको बारीकी से दिखाने का काम हम लोग कर रहे हैं, हर अपडेट आपको देते रहेंगे। जुड़े रहें आपके अपने फेवरेट चैनल ANH आधार न्यूज हरियाणा से। एक पेट्रोल पंप पर हुई रात को 4,65,000 रुपए की चोरी।